हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना के बड़े। और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसे हम व्रत में भी खाते हैं, और अगर आप व्रत में नहीं खाना चाहते तो आप कभी भी इसको बना के खा सकते हैं। तो चलिए फिर तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले किचन टॉवल बिछा लिया है। इसको बिछाने से क्या होता है कि आपका जो भी बर्तन रखते हो आप वो फिसलता नहीं है, और किचन टॉप जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में आलू ले लिए हैं, और यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। ये आलू बॉयल्ड हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है हरी धनिया की पत्तियाँ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, और एक टुकड़ा अदरक का था उसको भी मैंने बारीक काट के डाल दिया है। तो सबसे पहले तो हमें आलुओं को मैश करना था, लेकिन मैंने यहाँ पहले धनिया और मिर्ची डाल दी है, तो कोई बात नहीं, चलिए आलू तो हमारे मैश हो ही जाएंगे। तो चलिए मैश कर लेते हैं इसको। तो इसको मैश करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉग का इस्तेमाल किया है। अगर आप हाथ से इसको मैश कर सकते हैं बारीक, तो आप हाथ से कर लीजिए। तो आलुओं को जो है खूब अच्छे से मैश करना है कि ये बिल्कुल बारीक मैश हो जाएं। और देखिए हमारे आलू जो हैं अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब इसमें हम साबूदाना डालेंगे, और साबूदाना को मैंने 3 घंटे पहले अच्छे से धुल करके और इसको भिगो दिया था। तो आप देख लीजिए कितने अच्छे से ये भीग गया है, एक एक दाना अलग है और कितने अच्छे तरीके से भीगा, आप देखिए बिल्कुल मैश हो जा रहा है। तो इसको भिगोने का तरीका जो है वो मैंने अपने जो साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी उस वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है कि कैसे साबूदाना को भिगोना है और कितनी देर तक भिगोना है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। और इसको देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है कि ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इस बड़े में आप आलू ज़रूर डालें, बिना आलू के जो है बड़ा अच्छा नहीं बनता है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, और देखिए ये मैश हो गया। तो इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और अगर आप इसको व्रत में बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक डालें, अदरवाइज आप सादा नमक डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें डाला है मैंने काली मिर्च का पाउडर, और ये मैंने 1 चम्मच डाला है धनिया, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर है जिसको मैंने भून करके और पीस लिया है। तो इसे डाल दिया है, और इसे हम फिर से एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम बड़े बनाएंगे। तो नमक जो है वो बाद में ही डाला जाता है, अगर आप पहले डाल लेंगे तो ये जो है काफ़ी गीला हो जाता है, फिर बड़े अच्छे से नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए नमक लास्ट में डाला जाता है। तो इसे जो है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़रा सा। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम बड़े बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने अपने हाथों पे घी या तेल, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर हाथों पे ले करके और इस तरीके से हमें गोल गोल करके और टिक्की जैसा बनाना है हमें। तो आप अगर लंबा बनाना चाहते हैं तो लंबा बना लीजिए, जैसा आपको शेप पसंद हो आप उस शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल ही बनाया है, तो इस तरीके से मैंने बना लिया है, और एक मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से बन गया है ये इस तरीके से। तो ऐसे ही हम और सारे जो बड़े हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। और इधर मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए, तो तेल भी हमारा गरम हो गया है। तो अब इसमें हम एक एक करके बड़े डाल देंगे, और ध्यान रखें आप बहुत ज़्यादा बड़े एक साथ मत डालें, आपके कढ़ाई में जितना तेल हो उस हिसाब से आप डालें। तो यहाँ पर मैंने 3 डाला है, और उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे, और जब एक साइड से थोड़ा सा ये सुनहरा होने लगेगा तो इसको हम धीरे से पलट देंगे और दूसरे साइड पकने देंगे इसे, और दूसरे साइड से भी जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसको हम फिर से पलट देंगे एक बार, और अलट पलट कर इसे हमें कुरकुरा होने तक इसे हमें तलना है। तो आप देख सकते हैं कलर से लगने लगा है कि ये अच्छे से कुरकुरा हो गया है, और ध्यान रखें आप इसको बहुत तेज़ आंच पे ना तलें वरना फिर ये जल भी जाएगा। और इसी तरीके से हम बाकी बड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो डाल देते हैं कढ़ाई में, और उसी तरीके से इसको भी हम अलट पलट कर तल लेंगे ब्राउन होने तक। और इसको आप मीडियम आंच पर पकाते हैं तो ये ऊपर से क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से सॉफ्ट रहेंगी,
और अगर तेज आंच पे कर देंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह सकती हैं, तो इसलिए आप इसको मीडियम आंच पे ही तलें। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो दो बार के बड़े हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं और बाकी जो बचे हैं वो भी कढ़ाई में पड़े हैं, बन रहे हैं। तो इसको मैं फटाफट गरम गरम प्लेट में लगा लेती हूँ, क्योंकि ये जो बड़े हैं वो गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाने पर ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं इनको प्लेट में लगा लेती हूँ और आपको दिखा भी दूँगी कितने अच्छे से हैं ये, और दे देते हैं फिर खाने के लिए इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट लगा ली है और आप देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखने में, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी और आप मेरी वीडियो पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।